मत सुनो, प्लीज 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 ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज एक मौका दे दो। मैं कसम खाता हूँ मैं फिर कभी रिश्वत नहीं लूंगा। सर सर प्लीज 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 आई एम सॉरी सर। गलती करने का नया पासवर्ड। सॉरी से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो ना कचेरियां लगती ना फिर थाने खुलते। आई हेट सॉरी। इस तरह सरे बाजार एक गवर्नमेंट ऑफिसर को क्यों लटकाया गया? The hanging has created a lot of stir in the state of Maharashtra. इस मामले में पुलिस की हाल अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। ऑन द वे थे जब हम पहली बार मिले। तुम्हारे पैदा होने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। यस 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 बेबी। ये मेरी तरफ से इस छोटे उस्ताद को 10 ग्राम प्यार। हाउ कूल आदि, डू यू लाइक इट? मे आई? ऑफ कोर्स। रिटर्न गिफ्ट। कपड़े उतारो। हाँ? टेक ऑफ योर शर्ट। तुम जब भी मिलती हो मेरी शर्ट क्यों उतारती हो? उतारो। तुम खूनी हो? मतलब? ऐसा ही कुछ काम करते हो शायद। मैं समझा नहीं। इतनी बड़ी चोट? एक्सीडेंट था। ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सीडेंट स्टूपिड। उस दिन जब बेबी को उठाया तो आंखों में आंसू आ गए थे। इतने सेंसिटिव हो तुम, क्या किसी को मारोगे? मेरे भाई तुझे पता है? हाँ। पीने के बाद आदमी सीधा क्यों नहीं चलता? क्यों? क्योंकि पैर बोलते हैं। हाथ से उठाया, गले में उतारा, सिर पे चढ़ाया, हमको तो पूछा ही नहीं। जब मैं नहीं चलता। पागल है तू यार, बिल्कुल पागल है यार। एक बात बताऊं, तू सिर्फ दारू अच्छी नहीं पिलाता, बातें भी अच्छी अच्छी करता है कसम से। यार हम चाय पानी पिलाने वालों को मालूम होता है कि किसका चाय पानी किधर से चलता है। नहीं हाँ यार, हमारा जब कलेक्टर साहब मरा था ना, सारे पुलिस वाले आए थे दफ्तर में, मैं वही खड़ा था। पता, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा यार। कुछ नहीं पूछा, बात करता है चाय पानी की यार तू। अच्छा पप्पू साहब, ये आपके ऑफिस के स्टाफ की लिस्ट है। अब ये बताओ कि किसकी चाय में कितना शक्कर है कितना पानी। ये विजय माथुर, राकेश कामले, राज के है। विजय माथुर। विजय माथुर। हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी लिए भाई साहब, इतनी बड़ी। अच्छा। हाँ। 150 तोला सोना दिया अपनी बेटी की शादी में। 150। ये सब साहब रिश्वत लेते हैं। नहीं नहीं, ये 16 नंबर वसीम शेख। शेख वसीम शेख। सॉलिड सॉलिड। क्या हुआ? लेकिन सुन। हाँ। ये जो है ना वसीम शेख, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बताऊँ, साला भूखा मरेगा। भूखा मरेगा? हाँ भाई, बता रहा हूँ तुझे, भूखा मरेगा साला। वर्षा राजे, अनुज मोरे, गोविंद गावड़े, ये सब की टोली कैसे बन गई? Did you know that a man's brain is 10% bigger than a woman's brain? Really? Excuse me. Oi, hello, wait. But according to Google, the female brain works faster. Who hurt तेरा Google? मैं तो कहता हूँ बाबुलनाथ मंदिर के बाजू में गूगल का मंदिर होना चाहिए। जय गूगल, जय गूगल, जय गूगल। अकॉर्डिंग टू गूगल 12% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इसीलिए होते हैं बिकॉज़ लोग मोबाइल फोन। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। नो मैम, नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। इट वॉज नॉट अ मेजर वन। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। डॉक्टर, वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम, सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहां से आएगा? हां, और तुम्हारा सैलरी कहां से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पांसिबल नहीं होगा। उनको दो चार बड़ा बड़ा मेडिकल टर्म चिपकाने का। हेमा माथुर 601, ये अंकल को दे दो। मम्मी के पास जाएंगे? विवेक सर 601। बिल पे किया इन्होंने? जी सर। स्लिप दे दो। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है। बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई। देखिए मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे सर, वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं, ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्चे को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट ट्रीट अ न्यूसेंस। शट अप। इधर के यही रूल्स हैं, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी क्या? कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे हो? मैं आता हूँ, मुझे काम है। मैडम को वर्सोवा ले जाओ। आप इनकी बीबी है ना, ये लीजिए यहाँ साइन कीजिए। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना, चल रहे। सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचाना। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा जाइए। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा, आप कैसे भी करके इनको। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मर चुका है, इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ही मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। हालत बहुत खराब है, ये दवाइयां और इंजेक्शन हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक, फार्मेसी का राइट में। नर्स, गेट मी ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बना, बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है? मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे। ए, ये ले, ठीक से लिखना।
एडमिशन के टाइम पे ना तू बहुत किट किट करता है।